यस सर आवाज आ रहा है ना हमारे स्क्रीन दिख रहा सर आ रहे है? तो आ रहे सर। आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कंफर्म करने का जो हमने कल बात किए थे उसको अपने प्रैक्टिस किया स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन जी सर एंड एंट्री। हाँ तो हम कंफर्मेशन एंट्री क्या देखना है, पहला है एक है वॉल्यूम, करेक्ट? वॉल्यूम हमें यस सर बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, करेक्ट? जी लेकिन ये जो करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होना चाहिए वो क्या है? हाइपो सही है, रिकग्नाइज एक हाइपोथेसिस सही है। सर हाइपोथेसिस रिकग्नाइज नहीं है, हाइपोथेसिस तो होना चाहिए। जी आपको प्राइस जोन पता होना चाहिए ना, प्राइस पता होना चाहिए ना सर, इंपॉर्टेंट प्राइस जोन पता होना चाहिए ना। जी बराबर है, लेवल लेकिन पक्का होना चाहिए। हमें ये जो कंफर्मेशन करना है, जो भी एंट्री करना है, इंपॉर्टेंट प्राइस से ही करना है ना, इंपॉर्टेंट प्राइस जोन से ही करना है। अगर वो प्राइस जोन हमें पता नहीं है तो हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ऐसा ना? यस सर बराबर है। आप ग्रुप्स में देखते हैं ना, मतलब जो ट्रेड एनालिस्ट ग्रुप है उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, हाँ सर सेम चीज है सर। मतलब अंदर 2-3 मंथ इवन मतलब आप वर्क किए तो, हाँ वर्क किया था, आप भी वैसे ही ट्रेड कर सकते हो, क्लियर है ना? जी सर, कल एक टॉपिक पेंडिंग था ना, जो वोलेटिलिटी मेथड है उसको वॉल्यूम जोड़ के बताएंगे बोल के कल बताए थे, लेकिन देखो कल नहीं बोला। तो मैं मेरा उसमें देखो क्या है, अगर मान लो इधर नीचे एक सपोर्ट है, मैं मेरा इंपोर्टेंट प्राइस होना है इधर, ओके। यस सर अगर मान लो प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, इधर सपोर्ट मिलना चाहिए ना, हाँ, मिलना तो चाहिए जी। ओके फाइन। तो अगर इधर सपोर्ट मिलेगा तो हमें इधर ही कंफर्म करेगा फिर से, मतलब अगर मान लो ये विद वॉल्यूम इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो टूट रहा है ना, ये जो सपोर्ट को टूट रहा है ना, ये कैंडल क्या वॉल्यूम से टूट रहा है? अगर मान जी लो जी पहला कैंडल था, इसमें कल का सारा वॉल्यूम को ब्रेकआउट हो गया, ये जब वो सारा वॉल्यूम को ब्रेकआउट हो गया तो ये सपोर्ट को टूट के नीचे गिरना चाहिए था ना। जी सर जब ये हो गया, ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरना चाहिए था, करेक्ट है सर ना? सही है सर उसके बाद प्राइस रिट्रेस करने लगा नीचे, इधर हमने देखा कि भाई लो वॉल्यूम से गिरा, लो वॉल्यूम से मतलब इससे भी कम वॉल्यूम से। जी मुझे ये देखना है कि प्राइस इसके नीचे सस्टेन होता है, अगर ऐसे नीचे गिर के क्या इसके नीचे सस्टेन होता है? ओके अगर ऐसा नहीं हुआ, ये प्राइस इसके अंदर ही घुस गया, अगर मान लो इसके अंदर घुस के ये हायर हाई करना शुरू कर दिया, ये हायर हाई कर दिया ना, ये हायर हाई करना शुरू कर दिया, ओके प्राइस इधर आएगा, इधर से ऊपर जाएगा, अभी तक का जो लो है ना उधर तक नहीं आएगा प्राइस। बाद में अगर मान लो ये चीज नहीं होता है, मतलब ये टूटा है नीचे, बाद में ये कैंडल ऐसे आ जाता है, हमें पता है ये वोलेटिलिटी मेथड से सपोर्ट ले रहा है, करेक्ट? जी यस सर सिर्फ मैं सिर्फ वोलेटिलिटी का मतलब देखता हूं तो इसके ऊपर एक कंफर्मेशन होना चाहिए, ये लो नहीं टूटना चाहिए, हायर हाई स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तब इधर किधर भी आएगा इधर से ऊपर जाएगा ना, मतलब जो लास्ट कैंडल ने लो बनाया था उसके हाई से, नहीं तो इधर से ये ऊपर जाएगा, करेक्ट? यस अगर मान लो ये जो कैंडल ऊपर गया था ना, मतलब इसका वॉल्यूम इतना था, ये जो वॉल्यूम ऊपर गया है इससे ज्यादा वॉल्यूम से ऊपर गया है, जो सेल किया सर था इस जोन में उससे भी ज्यादा वॉल्यूम से बाई हो गया ना सर, जी सर मतलब ये हाई से, अभी ये जो हाई में सेल किए थे ये फेल होता है, तो प्राइस इधर आएगा तो ऊपर उठना चाहिए ना ऊपर। जी ठीक तो यही स्ट्रक्चर को आपका इंपॉर्टेंट प्राइस जोन में देखना है, क्लियर है ना? है। और अगर अगर ये वॉल्यूम कम है सर और ये सेम स्ट्रक्चर बना है तो अगर मान लो इसमें वॉल्यूम नहीं है, अगर मान लो वॉल्यूम गिर रहा है, ओके अगर मान लो ये वॉल्यूम गिर रहा है, ओके वॉल्यूम भी गिर रहा है, मतलब प्राइस हायर हाई कर रहा है, ये तो सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना सर, इधर सपोर्ट फॉर्मेशन तो हो रहा है,
वॉल्यूम नहीं है हाँ जी हमें ये टाइम पे, अगर मान लो वॉल्यूम का कंफर्मेशन मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है इस ऐसे बना के आया है। ओके जी अगर ऐसे आया है तो मुझे ऐसे एक स्ट्रक्चर आना चाहिए ना, आना पड़ेगा ना, हायर हाँ आई हाँ चाहिए, उसके बाद नीचे हाँ आएगा, उधर से ऊपर जाएगा, करेक्ट। ठीक है हाँ अगर ये चीज नहीं हुआ है, बाद में आपका जो बीएमआई है ऊपर ट्रेड हो रहा है, सेक्टर भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो सपोर्ट ही है ना सर। हाँ ठीक है। अगर सेक्टर या बीएमआई अंदर है तो रिस्की है थोड़ा, ऐसा हाँ, वो टाइम पे अगर ठीक है नीचे गिर रहा है तो ऐसे ही आके होगा, ठीक सुन जी। ऊपर ओके और ना। अगर अगर ऐसा मानते हैं कि जो रेड कैंडल है लास्ट, उससे कम है ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम, ओके बट फिर वॉल्यूम नेक्स्ट कैंडल में ज्यादा है, फिर थर्ड थर्ड ग्रीन कैंडल में सेकंड मतलब कैंडल से कम है, आपको क्या बता रहा है, अगर मान लो ये कैंडल में वॉल्यूम बता, ये बता रहा है कि वॉल्यूम बढ़ने से प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इधर सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, हाँ ठीक उसके है लिए ये हाँ ठीक है ऊपर ही समझ करनी चाहिए ना ये जोन से। हाँ ठीक है सर ठीक है ठीक है सर। एंट्री में तो जैसा आपने बोला था कि सपोर्ट कंफर्म तो हो गया ठीक है, लेकिन एंट्री अभी देखो प्राइस नीचे आ रहे, जैसा बोला कि वो लेवल टच करते ही एंट्री करना है, या तो कभी कभी नहीं सर, और थोड़ा वेट के लेना है, रिजेक्शन देखना है कुछ, मिनिमम 10 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि कभी कभी हाँ सर कभी कभी ऐसा हो जाता है ये कि कैंडल अपन एंट्री मिनिमम करते हैं वहां पर देखो आपको मिनिमम जी 10 मिनट्स टाइम मिलेगा, 10 मिनट्स मतलब दो कैंडल। अगर मान लो ये नीचे आके अंदर घुस गया ना, जी मतलब आपको समझ में आ गया ये कैंडल होगा ना, उसके बाद हायर आई करना चाहिए। जब तक ये हायर आई नहीं करेगा ना, ये सपोर्ट नहीं है, हायर आई करना ही है, जी तो वो टाइम पे मतलब एक हायर एक करने में एक टाइम तो मिलेगा ना, अनदर 5 मिनट्स 10 मिनट्स तो मिलता है ना। और सर अगर वॉलेटिलिटी से सपोर्ट नहीं बनाया हाँ और ओपन प्राइस ब्रेकआउट से बनाया, वॉल्यूम भी बढ़ाया, लेकिन जो लास्ट की रेड कैंडल है उसके ऊपर क्लोज नहीं किया बट अपने जोन के ऊपर क्लोज किया, जोन मतलब क्या है। हाँ ओके, ये जोन के ऊपर करेक्ट। हाँ, अभी क्या है मतलब, इसके ऊपर क्लोज किया, नीचे रेड कैंडल का लो नहीं तोड़ा है और वॉल्यूम रेड कैंडल से ज्यादा है, लेकिन वॉलेटिलिटी से सपोर्ट नहीं बनाया, ऊपर वाली कैंडल रेड है लेकिन हायर आई है। हायर आई है ओके। वो टाइम पे अभी हाँ आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये कैंडल रेड है करेक्ट, हाँ अभी क्या है भाई, प्राइस ऊपर जाना है ना, इसे प्राइस हाँ ऐसे ऊपर जा रहा है ना, समझ लो इसको। हाँ आप ये बोल रहे हैं इधर एक रेजिस्टेंस बना है क्योंकि एक रेड कैंडल बना है, वही तो बोल रहा हूँ। सही सही बात है हाँ अगर मान लो अगर ये रेजिस्टेंस हो रहा है, ये तो जोन है ना सर, ये गिरने का नया लो बनना चाहिए ना, इधर से हाँ हाँ रेजिस्टेंस है तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए ना। हाँ मतलब बाद में फिर लोअर लो भी कर दिया अगर मान लो ये रेजिस्टेंस ऐसे बना दिया, अगर हाँ ऊपर जाना है कोई ना कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना जाएगा ना, ओके, तो फिर उसको ब्रेक करेगा तो अपन कंफर्मेशन एंट्री करेंगे। मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, अगर मान लो इधर एक रेजिस्टेंस बनाया है सर, कैंडल्स दिख रहा है ना सर, हाँ डॉक्टर जैसा दिख रहा है दबाई हाँ के, तो नहीं नहीं समझ में आ रहा सर क्या है मतलब, ये मतलब अगर ऊपर भी जाना है एक हाई मतलब मतलब ये हाई हाई जाके मतलब ऐसे नीचे आ गया मान लो ओके, अभी इसको तो तोड़, हाँ ये रेजिस्टेंस को अभी ये तोड़ दिया, दिस इज रेजिस्टेंस करेक्ट, अभी हाँ हाँ ये लो बना के नीचे गिरना चाहिए ना, मतलब ये लो को तोड़ना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस है, अगर ये नहीं होता है एक घूम जाता है ऊपर। ओके फिर अगर घूम गया तो वापस इस प्राइस जोन पे आएगा, मतलब इस सपोर्ट पे आएगा नहीं सर आएगा। से ऊपर हाँ जाना क्योंकि ट्रांजेक्टर अच्छा भी ऊपर ठीक है जाना है ना, तो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा ना, हाँ ठीक है समझ गया ओके ठीक मतलब आप चार्ट्स में जब देखते हो ना ये मिल जाएगा सर। हाँ चार्ट्स हाँ हाँ में देखो। वो वही कंफ्यूजन था इसीलिए पूछा हाँ, आपने कौन सा, देखो सर एक चीज होता है, अगर मुझे कल ट्रेड करना है ना, एक स्टॉक पिक करके देखो ग्रुप में देखते हैं ना, कल का एक आ गया गोदरेज प्रॉपर्टीज बोल के करेक्ट, ओके जी सर आ गया ना, कल भी एक भेजा था, कौन सा था वो ट्रेड कल, ये भी सर
हाँ ये जीत भी लिया। हर एक लेवल पता है क्या होता है वो सब, उस मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया, 10,000 प्रॉफिट कर दिया, बंद कर दिया, उतना हो गया खत्म। ऐसा नहीं है, लेवल्स को लाइव मार्केट में ढूंढना है। मुझे हाइपोथेसिस पता होना चाहिए, लेवल्स पता होना चाहिए, वो करना है, क्लियर है ना? जी हाँ, जी अपने कौन सा मतलब स्टॉक तो इसे? सर एक लो जो लो वोल्टाइल फॉर्मेशन होती है सपोर्ट पे, उसका भी बता दो एक बारी कंफर्मेशन। अगर मान लो लो वोल्टेज फॉर्मेशन होता है ना, अगर मान लो ये लो वोल्टेज फॉर्मेशन है, ओके मान लो ये लो वोल्टेज जी बना, यस सर। ये भी नहीं टूटा, लो भी नहीं टूटा है, ये तो गलत है ना सर। मेरा फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, हायर ही बनना चाहिए, इसकी हायर यस ही बनना चाहिए ना। अभी फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट, अभी फॉर्मेशन हो गया, मुझे कंफर्मेशन कैसे करेगा? और एक कैंडल। ओके और कैंडल ठीक सर, मतलब हाँ ये तो समझा, बट सर अभी मेरे को दिक्कत ये हो रहा है, मतलब मैंने फिर से स्टार्ट किया है बट मैं स्टॉक पिक कर ले रहा हूँ, हाइपो बना ले रहा हूँ, प्राइस दिख रहा है कि कल ओपनिंग भी स्ट्रांग हुआ है, बट बाय होना चाहिए बट वो गिर जा रहा है। ओके भाई, आज कौन सा स्टॉक ग्रासिम सर, ग्रासिम आज, मतलब मैम, अभी तो नहीं कर रहा हूँ मैं 2-3 दिनों से स्टॉक कोई भी पिक, मैं फिर से लाइक वीडियोस देख रहा हूँ, अभी मार्केट देख भी नहीं रहा हूँ अगर मान लो बट बस आपने थोड़ा बहुत ऐसे देख। अगर मान लो आपने कोई एक्स वाई जेड को स्टॉक को आज ट्रेड करना है, पिक किया है, कुछ हाइपोथेसिस बनाया है, ओके मतलब मंडे के दिन का HDFC बैंक देख सकते हो आप, मंडे के दिन मेरा हाइपो बाई था, ओके मंडे मतलब मंडे मतलब कल परसों, ओके, दो दो दिन का था पहले। सर। हाँ अगर आपने कोई स्टॉक को पिक किया है ना सर, पहला है इसका इंपॉर्टेंट जोन पता होना चाहिए, सेकंड है इसका जो सेक्टर है ना ये क्या कर रहा है वो पता होना हाँ चाहिए। हाँ वो भी हायर आई कर रहा था, BMI भी ओके हायर आई में था तो आपने कौन सा बट स्टॉक पिक किए थे, क्या किए थे, कौन सा आज कौन सा स्टॉक पिक किया था? आज तो ग्रासिम सर का आज एक्सपीरियंस आज है, आज एक्सिस मैंने पिक कोटक किया बैंक, था। कोटक बैंक भी था, ग्रासिम भी था। कोटक बैंक करेक्ट, ओके कोई एक स्टॉक उठा देते हैं सर। सर दोनों को देख लीजिए सर, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बना दिया है। ओके तो कल इसका लेग अप था ना, अप लेग था, हाँ जी अप लेग है, फंडामेंटली इट इज लगेगा टेलिंग यू इट इज ए बुलिश बाय होना चाहिए, करेक्ट? सही होना चाहिए, सही है। ओके फाइन, तो मैं क्या करूंगा, ये इधर से उठने लगा था, इधर तक ऊपर गया था, करेक्ट? यस सर। नहीं, डायरेक्टली इधर तक ऊपर गया था, सही है क्या? हाँ यस सर, यस सर, इधर लोअर तक लो नहीं बनाया, आज भी हायर यस आई सर गया, जी, गिरा था इधर से सर, हाँ यस सर, बाद में जब ये गिरा था ये उठा हुआ था इधर से, जी सही सही है क्या? अगर मैं है सर। क्या, ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर, ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है, सर बाद में ये मेरा जी, इंपॉर्टेंट सर। यस सर, मुझे एक चीज मुझे इधर दिख रहा है, ये जो कैंडल है ना सर, दिस इज अ ब्रेक इनसाइड कैंडल, हाँ यस सर, सही है क्या? यस सर, मतलब और कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं, सिर्फ एक ट्रेंड का जो आखिरी कैंडल है इसको देख रहा हूँ। आपने बताया मैं वो उठा रहा हूँ सर, 25th फाइव है ना, 25th जनवरी, जी 25th जनवरी का ये वाला है, ये बड़े क्या जी, ऊपर से नीचे गिरा था, इसका मतलब है 52.4, 52.45,
दिस इज द इम्पोर्टेंट कैंडल सर, मानते हो? सर 101, 80, 85, 87. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कैंडल. तो आपको बताया ये है जो हाई है, ये जो लो है बाद में, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, करेक्ट? जी वो प्राइस उसके नीचे है, करेक्ट? ऐसा ना सर, यस उसको सर सही है ना? जी जी इसके नीचे है ओके फाइन. ये ऊपर जा रहा था तो मुझे क्या देखना पड़ेगा अभी? दिस इज आई थिंक दिस इज अ ब्रेकआउट. हाँ मैं उसको हटा रहा हूँ, ये मेरा रेंज था सर, मानते हो? जी सही है ना? ये मेरा रेंज है, करेक्ट? लास्ट यस सर वीक ने क्या किया था, लो पे इसने सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, करेक्ट? जी हाँ. इसको हटा रहा हूँ, ये लास्ट वीक का ही है क्या? दिस आर ऑल फिक्स लेवल्स, यस राइट? सर दिस आर ऑल फिक्स लेवल्स. जी आज का ओपनिंग उसके ऊपर है, यस सर बी इनफैक्ट के ऊपर सर ये कौन सा सेक्टर का स्टॉक है? निफ्टी, निफ्टी, प्राइवेट बैंक, जी करेक्ट? निफ्टी प्राइवेट बैंक है, इनफैक्ट ये भी सारे सबका वो बाहर ही है, सही है ना? यस सर मतलब वीकली के बाहर ही है ना, ये बाहर ही खुला है, करेक्ट? सर ये बाहर ही खुला है ना, ये सर ना, सही है ना? आपको अभी इसको सही ट्रेड, वही ट्रेड करना है, करेक्ट? जी आपको बताया ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है सर, ये जो हाई है ना सर, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना, सही है क्या? सर ये वीक का हाई था ना सर, इसके ऊपर खुला, ऊपर खुला है. दिस दिस सपोर्ट, दिस मतलब ये तो सपोर्ट बनना चाहिए, सर इसने इसको टूटा है ना, हाँ गलती से टूटा है सर, गलती से टूटा है ना? अगर गलती से टूटा है, ये इसके अंदर घुसना चाहिए अभी, जी सही है क्या? इसके अंदर ये घुसना चाहिए, करेक्ट? जी सर इधर देखो, ये पहला वॉल्यूम था, वॉल्यूम घटने लगा, ये वॉल्यूम बढ़ा सर, सर अभी क्या होना चाहिए था प्राइस? इसको इसको तोड़ के बाहर, मतलब इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए था, अगर वॉल्यूम आया है तो इसमें, सही है ना? मतलब लोग आया है ना, ओके फाइन, ये नीचे गलती से गिरा था, इधर एक सपोर्ट भी फॉर्म हो गया, करेक्ट? सर इधर एक वॉल्यूम बढ़ा, हाँ प्राइस इसके बाहर नहीं, मतलब लोग आ गए ना, वॉल्यूम का मतलब क्या है? लोग आ गए, इंटरेस्ट है, इसको सस्ते में हो गया है तो ऊपर लेके जाना चाहिए, करेक्ट? जी इसको पार नहीं कर पाया है सर, इसका लो टूटा, हाँ सर हाँ फिर वहीं से एंट्री हो गई ठीक क्या उसके ऊपर जा पाया सर प्लीज? हाँ, लोअर लो बना दिया नहीं हाँ समझ रहे हो ना? देखो, हाइपोथेसिस आपका बाई है, करेक्ट? हाँ बाई कंफर्म हो रहा है सर, हाँ जी नहीं है ना? बाई कंफर्म नहीं हो रहा ना? हाँ ओके, कल हाई राइज स्ट्रक्चर था ना सर, सर ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल था, अच्छा ये है ना इंपॉर्टेंट कैंडल कल का. जी वही है सर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग किया है, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया था, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कर रहा है, इसका काम हो गया क्या? हायर आई बन चुका है,
जी आई बन चुका है ना सर। हाँ बना दी सर। अभी ओके प्राइस इधर से ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो ये जोन से होना चाहिए। मतलब मैं सिंपल इम्पोर्टेंट लेवल को देख रहा हूँ, तो अगर इधर से रिजेक्शन कर रहा है तो इधर से ऊपर जाना चाहिए ना। तो इधर से इधर तक हाँ स्कोप तो हाँ है ना सर। बाद में ये ऊपर भी नहीं जा पाएगा, क्यों सपोर्ट नहीं बनाया नहीं? इधर से है एक सर। ये इधर से ये जोन से ब्रेक इन साइड नहीं होगा। मतलब ब्रेक इन साइड का मतलब क्या है, घूमना है ना। मेरा इम्पोर्टेंट लेवल था, इधर से ऐसे नहीं, ये भी नहीं घूमेगा। क्यों? लो स्ट्रक्चर में लो लो किधर बनाया है वॉल्यूम सर, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं बनाया ना सर। इसमें कुछ है बताओ मुझे। सेक्टर वॉल्यूम आपका बढ़ना चाहिए ना पूरी सर। रैंक सर को तोड़ के नीचे आ चुका है। सपोर्ट नहीं बनाया, वॉल्यूम तो बढ़ा है। वो अलग बात है ना, इसके बाद का चीज है ना। मतलब सपोर्ट बनना इसके इसके आने के बाद। मैं क्या बताया था आपको, अगर ब्रेक इन साइड होना है जब गिरते आएगा क्या होना चाहिए, कोई वॉल्यूम कोई घटना सपोर्ट चाहिए फॉर्मेशन लो लो। वॉल्यूम होना इधर चाहिए। हाँ देखो ये नीचे आते गए, इधर आज का सारा वॉल्यूम का ब्रेकआउट है क्या ये कैंडल में? वॉल्यूम बढ़ा के नीचे आ रहा है ना सर, जी क्या इधर से ब्रेक इन सेट होगा? बट सर जब नहीं लेवल होगा। को टकराया तब तो एक ग्रीन वॉल्यूम आया अपने पास, इधर आया लेकिन सपोर्ट नहीं बना ना हुआ नहीं, ग्रीन देखो ये वाला। रिएक्शन तो आएगा सर, रिएक्शन तो आएगा ही। हाँ मैं निफ्टी का रिएक्शन का ट्रेड किया था ना, हाँ कितना 7,000 का प्रॉफिट में जाके उसपे 143 में एग्जिट करना पड़ा। हाँ हाँ निफ्टी में वैसे ही वैसे ही बात है। हाँ बट सर अगर यहाँ पे कोई एंट्री ले लेता तो क्या गलत था क्या वो, अगर गलत सपोर्ट था, बनता। आईपो बाई है, ये बाई नहीं कर सकते ना, ये वॉल्यूम आपको बता रहा है ना सर, ये डेफिनेटली ऊपर नहीं जाएगा। अगर मैक्स टू मैक्स गया भी इधर तक जाएगा, नहीं तो जब गिरते समय कोई ना कोई सपोर्ट पर टूट गया होगा ना सर। ये पहला कैंडल था ना, ये पहला कैंडल था, इसको छोड़ दो। ये पहला कैंडल था ना सर, सपोर्ट जो यस बनाया सर जी इसको छोड़ दो। सेकंड कैंडल ये वाला है, तो मैक्स टू मैक्स इधर तक ही जा पाएगा। सर एक्चुअली वहां पे लास्ट लॉन्ग ड्रॉ किया था प्रीवियस डे का, तो वही से ले रहा था रेजिस्टेंस। लास्ट लॉन्ग किधर है? आज का हाईएस्ट वॉल्यूम जो आया है इसका मतलब कि अगर उसको ऊपर जाना होता है तो वहीं से घूमना चाहिए, तो उसका लो टूट गया मतलब अभी ऊपर नहीं जाएगा। हाँ नहीं जाएगा ना सर, इधर कंफर्मेशन में नहीं हो रहा है ना आपको। इधर से नीचे आया, इधर हायर एबल के नीचे आ रहा है ना, अभी हायर ही करके के बाद फिर एक बार ये लेवल पे आया ना, आना पड़ेगा ना, समझ रहे हो क्या? इधर अब फिर से उससे ज्यादा वॉल्यूम आएगा, 250 पे गया तो दबा। से, इधर से ये इधर तक गिरा, इधर तक उठा करेक्ट, बाद में इधर तक गिरा है, ये लोअर लो स्ट्रक्चर में आ गया है। आपको पता है इधर बाई करना है करेक्ट, सही है आप जो बोल रहे हैं सही है, इधर से बाई करना है सही है। आपका जो लेवल था ना इधर, हाँ इधर जी जी लेवल है सही है, लेकिन इधर क्या होना चाहिए, हाईर जिगजैग में है रही फॉर्म। ही बनना चाहिए करेक्ट। ये इधर बन गया, नहीं बनाना सर ये सही है क्या? नहीं जिगजैग बना है ना सर। नहीं बताओ नहीं मुझे, बना है सर। हाई बना है ना सर, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल पे हाई है, फिर वो रेड रेड को है ना, कंसिडर नहीं रेड करते रेड ना। रेड रेड है ना, ये कैंडल रेड है सर। ओके हाँ सॉरी हाँ ये कैंडल रेड है, तो ओके मैं हायर आई में इधर इधर वाके एक लोम नहीं मार कर सकता हूँ। इसके बाद ओके कोई ये था मैं कर सकता था, इसके बाद कोई हायर आई नहीं बनाया है ओके ये वाला है सर। फाइन, बाद में एक चीज याद रखना, मतलब इस पे बिलीव नहीं करता मैं, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम के ऊपर है, वीकली के लाइफ टाइम हाई के ऊपर, अगर ओपन इज इक्वल टू हाई बन जाता है ना, शायद गिरेगा ओके सर लास्ट मिनट तक गिरेगा।
ओके हाँ, ओके, लाइफ टाइम हाई से कई बार गिरता है तो कभी हर कभी कभी बार कभी ऐसे हुआ है। कभी कभी अगर वीकली अंदर होता है ना रेंज, अगर वीकली का रेंज मतलब क्या है, वीकली का रेंज ऐसा होता है ना सर, अगर मान लो मतलब इंटरडे के लिए हम वीकली का रेंज मार करते हैं, मतलब ये रेंज था मेरा, ओके मान लो ये मेरा रेंज था, ये वीक वन है, वीक टू वीक थ्री में हम ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस तो इधर किधर भी है, इट इज ट्रेडिंग समवेयर हियर, ओके ये ऊपर गया, ये तो इसके ऊपर नहीं है ना, अभी हाँ इसके ऊपर है, थोड़ा बुलिश है, कभी कभी इधर से शार्प सेलिंग आ जाएगा, ट्रेंडिंग नहीं है ना, दिस इज नॉट ट्रेंडिंग राइट, ना सर, ना ट्वेंटी। तब ये इधर इधर शार्प सेलिंग आ जाएगा, ओके उसको थोड़ा याद रखना, ओके हाँ सर अगर पहले ही कैंडल में ही वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद में उसके नीचे आ गया प्राइस, तो हम बाई नहीं कर सकते? एक्चुअली अगर पहली कैंडल में वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया ना सर, बेस्ट है ना मेरे लिए एक्सिस करने के लिए, आप बैंक में ऐसे ही समझ हुआ था। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देखो अगर मान लो इधर के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था, प्राइस इधर खुला मतलब एक हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया फाइन, अभी ओके सर, क्या होगा जब ये प्राइस तक का नीचे गिरते आएगा ना सर, प्राइस हाँ वॉल्यूम घटेगा। इधर तक का वॉल्यूम घटना चाहिए समझ, इसके ओके बीच सर, में दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया ना मान लो, हाँ, ये मतलब वो बन जाएगा, ओके ओके, अभी क्लियर हो गया समझ रहे ना, सर। व्हाट इज द एक्सिस में क्या हुआ था, एक्सिस पहले ही कैंडल में, ये मेरा पास था सर ट्रेडर स्टॉक था, इसको ट्रेड नहीं करना था आज, हाँ हाँ ओके बताओ सर। क्यों, आप बताओ क्यों, मुझे जो पता है आपको भी पता है, बताओ क्यों, मैं सोचा कि आज वीकली के ऊपर ओपन किया और आईएमबी से भी ऊपर, ओपन स्ट्रॉन्ग ओपनिंग था तो नहीं आईएमबी में इसमें एक चीज है सर बताओ मुझे, नहीं वॉल्यूम बढ़ा है। नहीं 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 विच कैंडल इज दैट सर, कम ऑन विच कैंडल इज दैट, सर वो लास्ट सेकंड लास्ट ग्रीन कैंडल, अच्छा ब्रेकिंग सेट कैंडल है क्या? नहीं, सुनो एक कैंडल के ऊपर एक्चुअली ब्रेकआउट, कल वॉल्यूम पड़ा था ना, मैं सोचा था आज ब्रेकआउट होगा, कौन सा कैंडल था, एक मिनट ये हाई था ना, ये हाई था थोड़ा डिस्टर्ब रहा, एक्चुअली ये लास्ट वीक का हाईएस्ट वॉल्यूम था, ओके मैं हाँ ये वाला कैंडल में, हाँ ये ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था, मतलब ओपन होते ही इसको ब्रेकआउट करेगा कुछ होगा बोल के, कि मतलब इसके ऊपर का टारगेट लगाएंगे बोल के, ओके ऐसे तो नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ है स्ट्रक्चर लो लो, ये हाई हाई वोलेटाइल स्ट्रक्चर वोलेटाइल है, हाई अभी भी वोलेटाइल लो है लो है करेक्ट, स्ट्रक्चर ऐसे लो लो है, टेंडेंसी गिरने का होता है करेक्ट, आपको पता है ऐसे, ये हाँ ब्रेकिंग साइड लेवल है सही ऐसे, है क्या, हाँ लेकिन सर ओके यस सर, एटलीस्ट उसको तो ब्रेक करना चाहिए ना, मैं एक लेवल को मार्क करके बैठा था सर, पता नहीं वही भूल चुका हूँ मैं, फॉरगेट इट, शायद ये वाला है, ये ब्रेक इन साइड लेवल है करेक्ट, यस सर, हाँ इसलिए उसको ब्रेकआउट करके बाहर जाना चाहिए था ना, ये देखो वॉल्यूम बढ़ा दिया ना इसने, इसने यस सर, वॉल्यूम बढ़ा दिया, इसका एक जी इम्पोर्टेंट लेवल था इधर किधर भी, रोज इट नहीं, ये तो हाई मतलब हाई वोलेटाइल था ना कल, हाई वोलेटाइल है, तो हाई वोलेटाइल है। हाई वोलेटाइल है तो ट्रेंडिंग बहुत समय रही है, इसका सपोर्ट तो इधर मिलना चाहिए ना, ट्रेंडिंग में आया था, यस सर, मैं गलती भी किया था भाई, मैं इसको हायर ही था, ओके वहां से वो हायर हाइक किया था, उसके एक बाद में एक ट्रेड किया था इंटरव्यू और सर एक्सेस कोटक बैंक को, एक्सिस बैंक है ना कोटक बैंक को किसी ने ट्रेड बाई ट्रेड में, मैं हैरान हो गया था, एक्सिस। किसी ने किया था, समबडी अपडेटेड है ना सर सर, तो मैं देख रहा था बाय ट्रेड के लिए। नहीं ओ, यार मैंने, ये वाला हाँ सर भाई इम्पोर्टेंट कैंडल से, हाँ यही है ना गया ना, मतलब वही नहीं वो मैंने किया था, वो एक्सिस बैंक है सर। एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक है क्या, वही लेवल है हाँ वही हाँ यस सर, यस सर, यस लेवल है, सर, मैं हैरान हो गया, सब कुछ नीचे गिर रहा है कैसे ऊपर जा रहा है बोल के, फाइन फाइन देखो उधर ट्रेंड कंफर्मेशन कर दो सर इधर, ओके हो रहा है ना हायर आई बन रहा है, सर हाई राय बन गया, देखो इधर विद वॉल्यूम टूटा था, ये देखो यस जो टूटा है उसके ऊपर क्लोज करके हायर आई बना दिया ना,
ये लेवल सप्लाई होगा ना सर। ओके सर। सर सर अगर कोई स्टॉक हाइपोथेसिस बाई है हाँ और अगर मार्केट गिर रहा है और टेक्निकली वो भी कंफर्म कर रहा है कि गिर रहा है, तो उसको सेल कर देना चाहिए देखो सर, यू विल डू दैट, ओके, यू विल डू दैट क्या? आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ से 6 months, ओके, यू कैन डू इट टुडे। देखो इंट्राडे वी आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट? इंट्राडे दिन का एक ट्रेंड होता है, अगर मान लो ये ऊपर नहीं जाता, ये आके सपोर्ट पे रुक जाता है, वेर इज द सपोर्ट, मतलब अगर मान लो ये नीचे गिरा है तो समवेयर हियर इज द फर्स्ट यस रेजिस्टेंस, राइट? यस मैं कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ऊपर जा रहा था ना, ये आधा रखे इधर हल्ट करना चाहिए क्या, उधर ही हल्ट किया है क्या? सर यू यू कैन यूज एनी इंपॉर्टेंट लेवल ऑल्सो। मैं मतलब ट्रेंड ऊपर था ना, मैं पहले रेजिस्टेंस को देखा, यू कैन यूज ये लोअर लो था ना, इसका इंपॉर्टेंट कैंडल भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले ये हायर एक किया था, इसका हाई आएगा, करेक्ट? जी इधर आके ये हाल्ट करेगा, ये टाइम पे अगर मान लो इसका जो सेक्टर है लो टूट रहा है, कल का लो, इधर होल्ड नहीं करेगा, ये गिर जाएगा नीचे। हाँ, एज इन रिलायंस, रिलायंस ने कोई मॉनिटर कर रहे थे जी, मैं रिलायंस? तो ग्रासिंग कर रहा था। रिलायंस में एक्चुअली आज बाई बाई ट्रेड भी था, सेल ट्रेड भी था सर। एक्चुअली देखो रिलायंस में दिस वाज द 3P लेवल सर, ओके, ये वॉल्यूम बढ़ा के ये अंदर घुसा था ना सर, सपोर्ट ले रहा था, अभी इसको ब्रेकआउट करके बाहर जाना चाहिए। जी मेरा स्टूपिड ये था, आज खुलेगा इसके बाहर बोल के सोचा था मैंने, हाँ, और मैं इधर एक लेवल था, वो कौन सा लेवल था, इधर एक हाई बनाया था ना, इधर अगर स्विंग डालते हो दिस इज द हाई, दिस हाई देखो, यस सर। ये हाई मतलब इधर खुला था, इसके ऊपर खुलेगा, मतलब इसके नीचे खुला, बाद में उधर बाई भी कंफर्म किया था सर, इधर देखो इसके नीचे खुला था ना सर, यस इसके सर। नीचे खुला, करेक्ट? उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, हाँ सर। ब्रेकआउट किया विद वॉल्यूम सपोर्ट, इसको ये कर रहा है, लेकिन इसके बाद तो कोई फॉलोअप नहीं आया, ये लोअर लो किया, करेक्ट? सही है कैसा, लोअर जी लो यस सर। हाँ ठीक सर। है, सही है ना जी सर। सर। बाद जी सर। जी में जी कैंडल बना दिया, देखो ये कैंडल में सर इसमें सपोर्ट नहीं है, इसमें सपोर्ट नहीं है, फिर भी वॉल्यूम सपोर्ट बनाने का कोशिश किया, हायर आई बनना लगा, करेक्ट? हाँ सर। ये कैंडल में एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया, हायर आई भी बना या हायर आई भी बन गया, कंफर्म हो गया ना सर, यस सर। ये लेवल कंफर्म हो गया ना 49.80। हमारे जी लेवल के नीचे प्राइस तब भी फर्क नहीं होगा ना, अगर नहीं, सपोर्ट कंफर्म हो गया? नहीं। ओके तो ये कैंडल कंफर्म कर रहा है ना सर, विद वॉल्यूम ऊपर जा रहा है ना, ये विद वॉल्यूम ऊपर जा ओके। रहा है, देखो ये लेवल के ऊपर 49.80 ये लेवल था, जो मैं 49। पूछ रहा हूँ कि अगर प्राइस एक बार लेवल के ऊपर गया तो उसके बाद ही हमें जब ब्रेक इन साइड होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस ही ना सर, तो वहाँ वो रेजिस्टेंस है, सो दिस हाँ लेवल वाज अ बाय एंड जो ये था ना 70 69.90 व्हाटएवर इट इज, ये जो हाई सॉरी ये जो हाई है ना, दिस वाज द व्हाट 3P लेवल था। अब इसको सीमलेसली ब्रेक करना चाहिए सर, इसका बिहेवियर देखो सर ब्यूटीफुली कैसे हमने किया है, ये लेवल था ना सर, इसने यस ब्रेक, सर। हाँ सर, कर दी। इसमें आउट ऑफ सीज हुआ था, क्या हुआ था, वॉल्यूम ठीक होता नहीं है, इसमें आउट ऑफ सीज हुआ था, इसमें दिन का हाईएस्ट वैल्यूम आया, उसका क्या ये करेंगे हम इंटरप्रेट? देखो इसमें वॉल्यूम भी आ गया, देखो ये लेवल को इसने क्रैक कर दिया ना सर, जी है ना, ये जब वो ये लेवल को क्रैक किया बिना वॉल्यूम किया सर, मानते हो, बिकॉज देयर वाज अ वॉल्यूम रिकॉर्ड टुडे, टुडेज वॉल्यूम रिकॉर्ड वाज देयर, दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम, सही है क्या? सर। इसके बाद ऊपर जाने का कोशिश किया, एट टॉप मारा, क्या है हायर आई मार के ऊपर जाना चाहिए, कोई कारण से ये लोग को नहीं टूट, मतलब ये जो प्राइस जोन है ना मेरा, जो प्राइस जोन है उसको नहीं ये करना चाहिए, ये विद वॉल्यूम इसने
नीचे एक क्रैक कर दिया, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, आपको दिख रहा है ये जोन में। जी जी सर, मतलब अगर बाई है तो एग्जिट कर सकते हैं यहां से। यस हाँ भाई, किया तो ये कैंडल में एग्जिट कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये वॉल्यूम रिकॉर्ड आ गया ना सर, ये वॉल्यूम रिकॉर्ड इसके बाहर आना चाहिए, ओके ये वॉल्यूम रिकॉर्ड आ गया ना, हाईएस्ट वॉल्यूम है ना सर, ये जो बिना वॉल्यूम का ये तो अंदर घुसना है ना अभी। जी ओके हाँ ये नहीं हुआ, ये कंफर्म कर रहा है सर, विद वॉल्यूम नीचे गिरा। अब ड्यू टू इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप जो भी पता है आपको, यू अंडरस्टैंड, देखो इधर से इधर सपोर्ट बना दिया, इधर कंफर्म भी कर दिया, ये लेवल गिरने का होता है, इसका जो सेक्टर है लोड तोड़ के फाड़ के नीचे गिर रहा है एनर्जी। हाँ है ना, जी कल निफ्टी यस्टरडे इट मेड ए लोअर लो, यस्टरडे इट वाज अ लोअर लो सर, जी सर, इट वाज अ लोअर लो, टुडे इट मेड ए हाई हाई, लेकिन वो हाई के ऊपर नहीं जा पाया। देखो वो जो हाई को एक बार क्रैक करके अंदर आ गया ना, उसके बाद तो सपोर्ट को तोड़ दिया नीचे, इसलिए जब वो ट्रेड होते हुए ये लेवल के नीचे था। ओके तो पूरा ट्रेड है, बट ये लेवल्स पता होना चाहिए आपको, ये ट्रेड होने के बाद इधर था उधर था नहीं है। हाँ भाई, हाँ मेरे पास सर सर, एक और है, कोई स्टॉक मतलब स्टॉक या इंडाइस जनरली अगर अपना हाइपो बाई है और खुलते ही हायर हाई कर देता है ब्रेकआउट है ना सर, तो एक्सपेक्टेशन आज हाँ आज भी ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन था मेरा। ओके मतलब हाँ निफ्टी का है ना सर, निफ्टी का लेवल समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा था इधर किधर भी कंफर्म नहीं कर रहा है बोल के। डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सर, देयर वाज अ इंपॉर्टेंट लेवल यस हियर। सर, सर यहाँ पे किया ना हाई। यस सर, आईएमपी कैंडल था। हाँ इधर इधर हाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है सर, जस्ट चेक कर सर, ओके सपोर्ट बना दिया ना ये वॉल्यूम, वॉल्यूम से भी सपोर्ट बना दिया था ये, हाँ सर, वो देखना पड़ेगा सर, इफ यू वांट टू वी विल सी दैट। देखो ये इसका है कितना है, 48.85, 40, 48.7, 49, ये हायर है इधर किया है करेक्ट, 49 हाँ नहीं पॉइंट एट फाइव, ओ वो प्रिंसिपल तो हाई नहीं है क्या? ओके इधर सपोर्ट कंफर्म नहीं किया था सर। ओके देखो इधर वोलेटिलिटी मेथड से बाद में क्या है, ओपन प्राइस ब्रेकआउट सपोर्ट से। हाँ है लेकिन फॉलो अप कैंडल ने हायर ही नहीं बनाया। ओके इसका मतलब है ये टूट, सही है जी ना, उसके बाद में इधर कोई एक लेवल तक कौन सा, ये हाई को मैं बाई किया था। ओके ये हाई को मुझे कंफर्म करके बाई किया था, लेकिन ये जो सपोर्ट से गिर गया, ये सपोर्ट को क्रैक करके नीचे गिरा था ना, उधर से वो गिर गया। ये इसमें क्या होता है सर, कोई हाई को ब्रेक करता है ना सर, कोई हाई को, देखो क्या होता है, ये हाई को इसने 86 सर, ओके ये हाई को ब्रेक करके इसने क्लोज दिया था ना सर, सर नो इट इज सपोर्ट, हाँ अगर मान लो ये ब्रेकआउट हो जाता है ये लो तक आ जाएगा। ओके देखो इधर ब्रेक किया सपोर्ट था सर इधर, ओके अगर हाँ ये सपोर्ट सैक्रिफाइस हुआ होता ना, इधर ब्रेकआउट ट्रेड है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस है, अगर मान लो इसको तोड़ दिया होता, इसके मतलब ये नहीं तोड़ा, वो कारण से मैं इधर कॉल ऑप्शन लिया मैंने, अच्छा खासा चल रहा था भाई। ओके बाद में देखो नाटक नहीं करेगा, वो लोग तोड़ दिया ना सर, इधर हाँ गिरेगा नीचे, बाद में इधर एक लेवल था 26, 26 कौन सा लेवल था, ये जो हाई, ये भी एक सपोर्ट है। ओके हाँ जब देखो इसने टूटा, इसने टूटा सपोर्ट मिलना चाहिए था, इधर हायर हाई करना चाहिए था ना सर, बिना हाँ ये लो तोड़े अगर ये अंदर घुसता था ना मैं एग्जिट होता, सिर्फ